आप सभी को अभिवादन। I take this opportunity as a great privilege to stand before you, so that whatever is kept before us from the scripture will be able to share. और इस सौभाग्य को एक सम्मान के रूप में स्वीकार करता हूँ कि जो कुछ वचन में परमेश्वर ने आज हमें दिया है आपके समक्ष रख पाऊँ। After the reopening of the college on 6th, we were going on listening to very good messages. और विद्यालय के पुनः आरंभ जो 6 जनवरी को हुआ उसके बाद से हम अच्छे अच्छे संदेशों को सुनते आ रहे हैं। Our vice principal has reminded us that 2016 is already past. We'll never be able to get that. और हमारे उप प्राचार्य महोदय ने इस बात को हमें स्मरण दिलाया कि वर्ष 2016 जा चुका है, वो वापस कभी नहीं आएगा। In the same way, the year 18 is very far. We'll not be able to catch it now. और वर्ष 2018 बहुत दूर है, हम चाहकर भी उसे पा नहीं सकते। The only year which is in our hands is this year, that is 2017. लेकिन एक ही वर्ष जो हमारे हाथों में है अभी, वो वर्ष 2017 है। So I was thinking yesterday morning, I was informed that today I have to preach, otherwise tomorrow my turn was, and I was thinking to take a portion from Second Chronicles, but it was not God's will, and I have taken my scripture, that is, it is not, it is a just topical, and I have when Reverend or Professor Jayanta was speaking, we came to know about two plants, that is wine and what is other one, anybody can tell? Wine and in vineyard, some plant was put. What is that, brothers or sisters? Fig, is it not? Fig tree. And when I was just meditating, I wanted to just bring before you three prominent trees in the Old Testament. और कल मुझे जब इस बात की इतला की गई कि मुझे आज प्रचार करना है, वैसे मुझे आने वाले कल में प्रचार करना था, लेकिन एक दिन पहले मुझे करने को कहा गया। मैं दूसरे इतिहास की पुस्तक से प्रचार करने के लिए अपने संदेश को तैयार कर रहा था, लेकिन शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, इसलिए मेरे विचार को उन्होंने बदला। और तीन वृक्षों के बारे में आपको याद होगा, रेवरेंड जैन जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने दो वृक्षों के बारे में बताया, दो पौधों के बारे में बताया, आपको याद होगा। एक तो दाख लता के बारे में था और दूसरा अंजीर के वृक्ष के बारे में था। उसी प्रकार से मैं भी परमेश्वर के वचन से तीन वृक्षों के बारे में प्रचार करना चाहूंगा। The vine is a, that is, all the tree symbolizes the country or the nation of Israel. But and the vine is a symbol of spiritual privileges that the nation Israel was having. आप यदि अंगूर के वृक्ष का बात करें, वह अपने आप में इज़राइल का प्रतीक है, और यदि आप इज़राइल के तुलना उसे करना चाहें तो बहुत सी समानताएं बाइबल में दर्ज की गई है। The fig tree symbolizes the national privileges that Israel was having. और उसके बाद आप देखते हैं अंजीर का वृक्ष, वह इज़राइल का जो राष्ट्रीय अधिकार है, मान्यताएं हैं, उसका प्रतीक है। The third tree is olive tree, and it will be a symbol of religious privileges that the country or the nation Israel was given. और तीसरा वृक्ष आप देखते हैं जो जैतून का है, जो इज़राइल के लिए उनके धार्मिक मान्यताओं और अधिकारों का प्रतीक है। Regarding first, we'll see the vine, and in the psalmist tells in Psalm 88 verse tells that vine, you have brought a vine. Psalm 88 was. भजन 80 हम पढ़ेंगे, उसके 8वें भजन को, 80 उसका 8। It tells, वहां यूं लिखा है, you have brought a vine out of Egypt, thou hast cast out the heathen and planted it. तू मिस्र से एक दाखलता ले आया
और अन्य जातियों को निकालकर उसमें लगा दिया। एंड गॉड हैज जस्ट सो वी नो दैट व्हाट इज द प्लान इज़राइलाइट्स दे वर इन बॉन्डेज एंड फ्रॉम दैट बॉन्डेज दे वर डिलीवर्ड एंड दे हैव ब्रॉट विद सो मच ऑफ केयर इट टेल्स इट वाज अ प्लान एंड इट वाज ब्रॉट विद सो मच ऑफ केयर एंड प्लांटेड इन पैलेस्टाइन सिंपली ही हैज नॉट प्लांटेड बट दोस हु वर हिडन इन दैट कंट्री दे वर ड्रिवन आउट देन ओनली दिस प्लांट वाज यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर ने बड़ी सतर्कता बड़ी रखवाली के साथ बड़े सुव्यवस्थित रूप से मिश्र से एक पौधे को निकाल लाया और उसके बाद उसे फलिस्तीन देश में जो अन्य जातियों का था पहले उन्हें वहाँ से हटाया और इस नए पौधे को जो इज़राइल नामक है वहाँ पर उसे रोपा। इन यरमया 2:21-22 Yet I have planted thee a noble vine, holy a right seed. How then art thou turned into the degenerate plant of a strange vine unto me? Second. For thou hast washed thee with night and take thee much so, yet thine iniquity is marked before me. यिर्मयाह नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 21-22 आयत। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर भी तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? चाहे तू अपने को सजी ये से धोए या बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। Or as a this one noble wine, it is a very good variety, and that type of plant he has brought out of Egypt and he has planted in Palestine. But even though it was a good variety, the fruits that were given by that tree was degraded. तो भले ही परमेश्वर ने बड़े परिश्रम के साथ एक चुनिंदा और उत्तम फल को वह मिश्र से निकाल करके यहाँ फलिस्तीन देश में जाकर लगाया तो पर भी इतनी उत्तमता होने के बावजूद वो अपने आप में जंगली बन गई और जंगली फल उत्पन्न करने लगी। In 22nd it tells, and take thee much so, and yet thy iniquity is marked before me. 22वीं आयत में लिखा है जितना साबुन घिस लो तुम्हारे अधर्म मेरे सामने से नहीं हटेंगे। Israel, but in these days the believers or the church is the new Israel, and we also belong to that. We come under that category. That is, we are the vine which was planted by the Lord. और फिर हम इसकी तुलना यदि कलीसिया से करें तो नए नियम में हम वो दाखलता है जो परमेश्वर ने लगाया और नए नियम की कलीसिया इज़राइल का प्रतीक है या उसका प्रतिबिंबित करती है। When any person, when he plants any fruit tree, he expects that that tree must be tasty and it must be useful for the family and also for other people. जब भी कोई इस प्रकार के वृक्ष को जो किसी प्रकार का वृक्ष क्यों ना हो रोपता है लगाता है परिवार वाले यही अपेक्षा करते हैं कि ये सबके लिए फलवंतित हो इसके द्वारा सबको लाभ हो। But when the crop comes, when they pluck the tree or the fruit and eat, if it is it is not giving taste, or if it is bitter. If it is bitter, naturally they will cut the tree and burn it. लेकिन उनकी भली अपेक्षा के बावजूद जब फल उपजता है और फल को खाया जाता है और वो स्वाद में कड़वा होता है तो परिवार वाले क्या करते हैं? उस वृक्ष को काट कर आग में झोंक देते हैं। The intention of or Almighty God for bringing Israelites from that country and planting them in Palestine. That is, Palestine was told as a place where milk and honey will be flowing like a river. अब फलिस्तीन देश के बारे में बात करेंगे, उसे एक ऐसा नगर वचन में बताया गया है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। But when they have seen, even though
they were listening to the words of the prophets, etc., their lives were not according to the expectation of the Lord, because even though they were getting the heathen habits, etc., they were going away from the presence of God. लेकिन जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये बात बताया गया है कि इतने रखवाले के बावजूद वह अन्य जातियों की रीति चलने लगे और परमेश्वर के मार्ग से अलग हो गए. In the same book, Jeremiah, उसी यर्मिया नबी की पुस्तक में 31वें अध्याय में आएंगे. 31 का 39 हम पढ़ेंगे. 29 माफ करिएगा. In those days, they shall say no more, the fathers have eaten a sour grape and the children's teeth are set on edge. But everyone shall die for his own iniquity. Every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge. यर्मिया नबी की पुस्तक 31 उसका 29 और 30. उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दांत खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए. क्योंकि जो कोई जंगली दांत खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा. See, they were expecting that the sins of the fathers will be going to the generation, but the blessings of the fathers also will be going to the children. वे लोग ऐसे सोचते थे कि चाहे श्राप हो या आशीष हो, दोनों जो पुरखाओं ने किए हैं उन पर आए हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी, कहना चाहिए हजार पीढ़ी तक वो जाएगा. बट हियर थ्रू दिस पैसेज वी सी दैट हूएवर दैट इज हूएवर विल बी ईटिंग द सोर ग्रेप, their teeth only will be spoiled. लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि जो खट्टे अंगूर खाएंगे उनके ही दांत खट्टे होंगे. But whoever 30, but everyone that shall die for his own sin, so nobody will be punished for the sins of other people, for the sins of the parents or the elders, children will not be punished. तो जो अधर्म करेगा उस पर ही उसका लेखा लिया जाएगा, माता पिता के पाप की वजह से बच्चों पर दंड नहीं आएगा. In the same way, if the parents are righteous, their righteousness will not go automatically to the children, but whoever will be eating, whoever will be leading a righteous life, he will be judged accordingly, but whoever will be leading a sinful life, he will be judged accordingly. इसका मतलब माता पिता के धर्म के काम की आशीष बच्चों पर नहीं आएगी. जो माता पिता करेंगे वह खुद उसको भोगेंगे, और जो बच्चे करेंगे वह उन पर ऐसा ही लेखा उनसे लिया जाएगा. One more reference, Ezekiel. एक और आयत पढ़ेंगे, यहजकेल नबी की पुस्तक 18th chapter, 18 अध्याय, from 19 I'll read, 19 to 24. यहजकेल 18, 19 से 24. The same is anyway I'll read. And yet say you, why doth not the son bear the iniquity of the father, when the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र न्याय और अधर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा. जो प्राणी पाप करे वही मरेगा. न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र के अधर्म का. धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा. The same chapter, 30th and 32, I'll read, 30. Therefore, I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed,
and make you a new heart and a new spirit. For why will you die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore, turn yourselves and live. उसी अध्याय के 30 से लेकर 32 आयत को पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तब तुम भी जीवित रहोगे। एंड टू सेव टाइम, बिकॉज़ टाइम इज नॉट देयर, एंड वी सी इन जॉन 15 चैप्टर, वी सी क्राइस्ट टेल्स दैट आई एम द ट्रू वाइन। और यूहन्ना 15 भी यदि आप पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दाखलता कहा है। एंड आइज़ायाह 5 चैप्टर, और यशया नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, लेट अस रीड फर्स्ट वर्स, पहली आयत को हम पढ़ेंगे। नाउ विल आई सिंग टू माय वेल बिलोवेड अ सॉन्ग ऑफ माय बिलोवेड टचिंग हिज विनयार्ड। माय वेल बिलोवेड हैथ अ विनयार्ड in a very fruitful hill. So in this we see he does everything. He made a tower, a wine press, etc., etc. But we don't see any yield from that vineyard. यहाँ भी हम देखते हैं, बहुत परिश्रम के द्वारा परमेश्वर ने दाख की बारी बनाई, वहाँ सब कुछ बनाया, लेकिन वहाँ से अच्छे फल नहीं निकले। And also in verses 5 and 6 in the same chapter, I'll read. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down, and I will lay it waste. It shall not be pruned nor digged, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain upon it. 5:5-6 को भी पढ़ेंगे। अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके काटने वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा और न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी। उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जलना बरसाए। सिंबॉलिकली the prophet, through prophet, the Lord is telling the coming destruction. If they don't listen to the commandment of the Lord also will do in this way. He will remove the hedge or fence, and the wild animals will come and eat. That is, the enemies will come and destroy the field. That is Israel. अब नबी के द्वारा परमेश्वर इसी बात को बता रहे कि यदि वो आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो अपने भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को उन्हें जतला रहा है कि मैं तुम्हें भी इस प्रकार से बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा विनाश कर दूंगा यदि तुम पश्चाताप नहीं करते हो तो। Let us come to the next tree, that is fig tree. अब हम अगले दूसरे वृक्ष में आएंगे, सिंबल ऑफ अंजीर का वृक्ष है, नेशनल प्रिविलेजेस ऑफ इज़राइल, जो इज़राइल के धार्मिक सौभाग्यों का एक प्रतीक है। Let us turn to Matthew 24. आइए हम मत्ती 24 में आ जाएं, 32 onwards, 32 to 35 I'll read. 24 उसके बाद, now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the door. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. मत्ती 24 उसका 32 से लेकर 35 तक, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जिसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निगलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है।
इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। No time to explain it. You can understand what is it. And we turn to same book, chapter 21, 19th and 19th onwards. I'll read 18th chapter. 21st chapter. 19 to 20. And when he saw the fig in the way, he came to it and found nothing thereof but leaves only. And said unto it, Let no fruit grow on thee henceforth forward forever. And 20, and the disciples say this much. मत्ती 21 उसके 19 को हम पढ़ेंगे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास आया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसने उससे कहा, अब से तुझ में फल फिर कभी ना लगेंगे। मार्क टेल्स इन हिज एक्सप्लेन द सेम इंसिडेंट्स इन अदर वे, ही गिव्स सम एक्स्ट्रा सेम मैसेज। मार्क 12-14, मार्क 11, मरकुस 11 उसके 12वीं आयत से पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकल कर लगा तो उसे भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक वृक्ष देखकर उसके निकट आया तो उसने क्या जाना कि उसमें कुछ भी नहीं, पर पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। So, yeah. Mark tells that it is not the season of the figs, but Christ saw that fruit. When there was no fruit, he cursed it that in future there will never be fruit coming out of the tree. आप देख सकते हैं कि यह अंजीर के फलों का ऋतु नहीं था, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसमें फल नहीं है, उन्होंने उसे श्रापित कर दिया कि भविष्य में इसमें कभी भी फल नहीं आएंगे। Thing is that even though that season's fruit will not be there, previous season's fruit somewhere in some trees it will be available. In that way he has not seen, so he cursed the tree. भले ही उस ऋतु का फल ना हो, लेकिन बीते हुए वर्ष के ऋतु का फल उस पे होना चाहिए, उसको नहीं मिला, उसने उसे श्रापित कर दिया। Same way in your life or in my life, maybe the present year in 2017 we may not be able to live a righteous life, but he will, if any fruits are there in the year 2016, that will be taken into account and some blessings will be there for us. वर्ष 2017 में हो सकता है आपके पास कोई फल ना हो, लेकिन वर्ष 2016 में आपने जो काम किया है, आपको जो फल लगा है, परमेश्वर उसके अनुसार आपको प्रतिफल दे सकता है। एंड दिस फ्रूटलेस कंडीशन ऑफ द प्लांट शोज द लाइफ ऑफ द सदूकीज, प्रीस्ट एटसेट्रा। एंड विल रिटर्न टू मैथ्यू। और ये फलहीन जीवन हम देख सकते हैं कि वह सदूसी फरीसियों के जीवन को दर्शाता है। उसके बाद मत्ती उसके 33 को हम पढ़ेंगे, 23 को। वेरी लेंथी। सो व्हाट एवर इट इज ऑल मार्क्ड विद रेड लेटर्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। एंड हियर यू सी ही टेल्स देम, यू आर द हिपोक्रेट्स, से लुक फॉर लुक इवन द सदूकीज, फरीसीज, प्रीस्ट एटसेट्रा, their outward life will be different. They show, for example, they will pray in the streets and they say we keep fasting, etc. These are all outward appearance, but even inwardly they were hypocrites. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बातें अंग्रेजी बाइबल में लाल रंग से लिखी गई है, क्योंकि यीशु मसीह के वचन है। आप देखेंगे कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह पाखंडी कहते हैं, क्योंकि अपने मुंह से वो सारी बातें बोलते हैं, उनके कर्मों से कुछ भी नहीं दिखता। से फॉर एग्जांपल द ट्री विद फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, से एनीबॉडी थिंकिंग दैट बाय लुकिंग एट द ट्री इट विल बी वेरी वेल हेल्दी एंड इट विल बी गिविंग गुड फ्रूट्स। और जिस प्रकार से आप एक वृक्ष को देखते हैं उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हैं, दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही स्वस्थ एक वृक्ष है, इसमें बहुत सारे फल होंगे। बट इन लाइफ ऑफ दिस फरीसीज़ एटसेट्रा,
their outward look is very, very good, but there is no fruit in their life. So in this chapter, he calls them as hypocrites, and also another, and scribes and Pharisees, hypocrites, because he built the tombs of the prophets, say, etc., etc. There are so many things comparing them, how they, he calls them as 33, generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? These are all hypocrites. आप देख सकते हैं उनके पाखंड के बारे में और बहुत सी बातें इत्यादि इत्यादि वहां पर दर्ज की गई है। आप देख पाएंगे प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तुम सांप के बच्चों, तुम कैसे अंत के उस दिन से जो विनाश का है बच सकते हो? In Luke, which we have heard from the mouth of our staff, that is Jayanta, that is Luke 13, let us turn. लुका की सुसमाचार 13वां अध्याय हम खोलेंगे। He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then he said unto the dresser of this vineyard, Behold, these 3 years I came seeking fruit of this fig tree, and find none. Cut it down. Yet an answer he said, Lord, let it alone this year alone till I shall dig and dung it. So he pleads the master to give some time. That is why one more year you are giving. It is only to make them or to make the tree give good fruit. और उनसे बोलते हैं कि और अतिरिक्त वर्ष क्यों देना चाहते हो? ये उद्देश्य यही है कि और समय दे करके उस वृक्ष को और बेहतर बनाया जा सके। Here, as I told you, the fig tree is a Jewish nation, the fig tree. And मैंने आपको कहा कि the vineyard is the, that is we can compare it as the Palestine where the wine was brought and put Palestine. आप अंजीर के पेड़ को इज़राइल समझ सकते हैं और जो जो दाख का पौधा है उसे आप पलिस्तीन नगर कह सकते हैं, जहां पर ला करके उस अंजीर के पेड़ को लगाया गया। सो इन विनयार्ड ही हैज पुट ओनली दैट इज वन फिग ट्री, इन द सेम वे इन पैलेस्टाइन और ही हैज ही ब्रॉट दैट कंट्री इज़राइल, एंड इफ यू टेक दिस एज अ चर्च, the church is Israel, in place of Israel, if we take church into account, we have been planted in the world which is full of unbelievers. और आप देख सकते हैं कलीसिया को नए नियम में, हमें इस संसार में जो कि अविश्वासी हैं, अन्य जाति हैं, उनके मध्य में हमें रोपा गया है उसी एक प्रकार की दाख के समान जो अन्य जातियों के मध्य में लगाई गई है। सो गॉड द लॉर्ड इज द owner of the vineyard, and the wine dresser is Christ himself. So when you or me, when we are not giving good fruit, or any fruit is not coming out of our lives, Christ also is pleading the Father not to punish us, but give some more time so that he will send some more evangelists, etc., and make them to give good fruits. Aur dakhlata parmeshwar hai, uski daliya hum hai, aur us दाखरता या फिर उस वाटिका का जो माली है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि कुछ समय और दे दे, कुछ मोहलत और दे दे, कि कुछ और सुसमाचार प्रचारक आकर के प्रचार करके लोगों को परमेश्वर के बारे में बता पाए, उद्धार को प्राप्त कर पाए, जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोग बचाए जा सके। They compare it as when Christ was there, he served or he ministered for 3 years, each year of his worldly or that is ministry on this earth, Christ, the Lord, the Father came and asked fruit in the lives of the Israelites. आप देख सकते हैं जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने इस धरती के सेवकाई के दौरान में थे, परमेश्वर, कुछ धर्मविज्ञानी ऐसा इस बात को कहते हैं कि प्रतिवर्ष परमेश्वर आकर के इज़राइलियों से पूछता था, क्या तुमने फल लाया, क्या तुमने फल लाया, इससे पहले कि उनका विनाश करे। क्राइस्ट से द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट वाज 3 1/2 इयर्स से, सो ईच ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ वन ईयर मिनिस्ट्री
और प्रभु यीशु मसीह ने तीन वर्ष सेवकाई की और प्रति वर्ष की उनकी सेवकाई का फल प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर लेता था. But at last, in the 70 AD, Israel was punished, and the branches were cut off, and the branches were thrown out of the boundary. That is, when persecution came in 70 AD, after so many years of bleeding, country was punished, and the branches were cut off, and they have scattered to different countries of the world. आप देख सकते हैं कि 70 ईसा के बाद वो समय आ गया जब प्रतिवर्ष पूछने के बाद कोई फल नहीं निकला. परमेश्वर का बड़ा सताव वहां पर उठा और उन्हें परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया. सो स्टिल वन मोर ट्री दैट इज इंपॉर्टेंट ट्री आल्सो इज लेफ्ट ओवर बट एज टाइम इज नॉट सेव आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ दीज टू ट्रीज विल बी गिविंग अस सो मच ऑफ स्पिरिचुअल लेसन सो दैट we have to give fruit otherwise we will be removed or we will be cut off. to aap dekh sakte hain ki bhale hi teesra ek mahatvapurna vriksh yahan bacha hua hai lekin do vishon dwara is baat ko aap samajh sakte hain ki yadi hum zimmedari se phal lekar na aaye to hame kaat dala jayega. may god bless this word. is vachan ke dwara parmeshwar hame aashish dene paaye. announcements God is expecting schools from our life. And before today, the others are also spoke something about regarding this message. So we are today also we got the same continuation for that message. So that I do believe that.